नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र, मैं अभिसार शर्मा। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को एक खत लिखा है कि प्री पोल सर्वेज, यानी कि न्यूज चैनल्स जो अक्सर चलाते हैं ना कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत रही है, इन तमाम सर्वेज पर रोक लगा दी जाए। मगर विपक्ष पर सही मायने में मुझे दया आती है और मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि विपक्ष को लग रहा है कि प्री पोल सर्वेज हटा लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी ने दरअसल चुनाव आयोग से कहा क्या है, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर आने वाला है। वो कहते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के चुनावों की तारीखों का ऐलान 8 जनवरी 2022 को हो गया है। प्रथम चरण का नामांकन समाप्त हो गया है। प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होंगे। अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा, जबकि मतगणना 10 मार्च को होगी। कई न्यूज चैनल्स ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, जिससे मतदाता भ्रमित हो रहा है और चुनाव प्रभावित हो रहा है। ये कार्य आदर्श संहिता का खुला उल्लंघन है। विपक्ष पर मुझे कई बार इतनी दया आती है कि मैं क्या कहूं। चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन की बात कर रहे हैं वो। 2 दिन पहले अमित शाह डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे। कुछ दिनों पहले भूपेश बघेल ने यही हिमाकत नोएडा से की थी और आप जानते हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज हो गया। मैं इस वक्त जब आपसे कार्यक्रम में बात कर रहा हूं, करीब 11 बज रहे हैं और अब तक अमित शाह के खिलाफ एक्शन की कोई सुगबुगाहट नहीं है। जब तक ये कार्यक्रम का प्रसारण होगा उस वक्त तक कोई एक्शन हो जाए तो हो जाए, मैं नहीं जानता हूं, मगर 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, मगर अमित शाह पर कोई एक्शन नहीं है। विपक्ष का मुकाबला इससे है। और अब आपकी स्क्रीन पर देश के दूसरे सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल न्यूज 18 क्या कह रहा है कि समाजवादी पार्टी ने गुपचुप अंदाज से 10 मुसलमानों को टिकट दे दी। बाप रे, कितना बड़ा गुनाह कर दिया, गुपचुप तरीके से, खामोशी से दे दी। आपको बताना चाहिए था ना, ताकि आपका न्यूज चैनल हिंदू मुस्लिम पर एक और जहरीली डिबेट करता। मैं आपको यह खबर क्यों दिखला रहा हूं, मैं आपको यह खबर इसलिए दिखला रहा हूं क्योंकि इससे पता चलता है कि न्यूज चैनल्स सिर्फ ओपिनियन पोल के जरिए सत्ताधारी बीजेपी की मदद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने तमाम कार्यक्रमों के जरिए जो उनका फोकस है। जी न्यूज का स्क्रीनशॉट देखिए, 72% हिंदू, 26% मुसलमान, 17% जाट। इस तरह के कार्यक्रम जब न्यूज चैनल्स पर चलाए जाएंगे तो बराबरी का मुकाबला कैसे होगा। और यही नहीं, 5 साल बीत चुके हैं मगर अब भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कैराना की याद आ रही है और कैराना के पलायन की याद आ रही है। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, 15 सेकंड का बाइट है उनका। अब कैराना से पलायन नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश रैपिड रेल की प्रगति के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ने का कार्य करेगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, 5 साल बाद भी अगर आपको कैराना की बात करनी पड़ रही है तो क्या ये आपके लॉ एंड ऑर्डर पर प्रश्नचिन्ह नहीं है? और सबसे बड़ी बात, स्वर्गीय हुकुम सिंह जो कि कैराना से सांसद थे, खुद उनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि भाई कैराना का मामला हिंदू मुस्लिम था ही नहीं। वहां पर कुछ अपराधियों के बढ़े हुए हौसले के चलते कई लोगों को पलायन करना पड़ा था, वो हिंदू मुस्लिम मामला ही नहीं था। इसका मतलब यह नहीं कि अखिलेश यादव बच जाते हैं, नहीं, यह एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उनकी गवर्नेंस पर था, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगातार यह शिकायतें आती रही हैं जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मगर भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर उसे हिंदू मुस्लिम का रंग देना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि इसके अलावा वो ये चुनाव जीत नहीं सकती। और यही नहीं, ढूंढ ढूंढ कर, खोज खोज कर भारतीय जनता पार्टी ऐसे मुद्दे ला रही है जिससे वो चुनाव को जहरीला और सांप्रदायिक कर सके। उसकी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। पंजाब के फॉर्मर DGP मोहम्मद मुस्तफा चुनाव प्रचार में जाते हैं और वहां पर वो एक विवादास्पद बयान देते हैं, मगर वो जिस शब्द का इस्तेमाल करते हैं अपने बयान में, फितनों यानी शरारती तत्वों,
उन्होंने हिंदुओं नहीं कहा था। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि एक फॉर्मर डीजीपी जो भाषा बोल रहा था वो निहायत ही गैर जिम्मेदाराना था। वो कह रहे थे कि मैं घर में घुस के मारूंगा। अरे भाई, आप फॉर्मर डीजीपी हैं, ये कैसे राह चलते गुंडों जैसी बात कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती है? मैं चाहूंगा आप उनकी बात सुनिए, मगर उनके इस बयान को बीजेपी फिर से हिंदू मुस्लिम करना चाहती है, बता रही कि देखिए पंजाब के अंदर हिंदुओं की कितनी बुरी हालत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका भी इस्तेमाल वो उत्तर प्रदेश में करना चाहेंगे। सुनिए दरअसल मोहम्मद मुस्तफा ने कहा क्या था और बीजेपी फिर उसे क्या ट्विस्ट दे रही है, सुनिए। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, इनका कोई जलसा नहीं होने वाला। मैं कौमी फौजी हूं, मैं कौमी सिपाही हूं, मैं आरएसएस का एजेंट नहीं हूं जो डर के घर में घुस जाऊंगा। अगर दोबारा इन्होंने ऐसी हरकत की, खुदा की कसम इनके घर में घुस के मारूंगा। आज मैं सिर्फ वार्निंग दे रहा हूं, मैं वोटों के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कौम के लिए लड़ रहा हूं। प्रशासन को भी बताना चाहता हूं, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई मेरे जलसे के बराबर में, अगर फितनों को इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएगा। अब मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि बीजेपी इसे क्या ट्विस्ट दे रही है। केंद्र में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ये ट्वीट देखिए, वो क्या कह रहे हैं। ये जनाब पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष श्री नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार, पंजाब के पूर्व डीजीपी और पंजाब सरकार के मंत्री श्रीमती रजिया सुल्तान के पति मोहम्मद मुस्तफा हैं। वोट नहीं कौम के लिए लड़ने की बात कहते हुए हिंदुओं को चैलेंज करते हैं, घर में घुसकर मारने की बात कहते हैं, सभा ना होने की धमकी देते हैं। कांग्रेस ने पंजाब में हिंदुओं के खिलाफ कैसा वातावरण बना रखा है इस वीडियो से स्पष्ट हो जाता है। अब सभी को समझ आ जाएगा कि क्यों सिद्धू साहब पाकिस्तान जाकर इमरान खान से गले मिलते हैं। यही वो नफरत है जिसे खत्म करने के लिए भाजपा पंजाब के चुनावी रण में सबको साथ लेकर चलने की अवधारणा रखते हुए उतरी है। अब जाहिर सी बात है, गजेंद्र शेखावत भ्रमित करने वाले बयान देंगे तो संबित पात्रा पीछे कैसे छूट जाते। संबित पात्रा क्या ट्वीट कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बताए कि मोहम्मद मुस्तफा को मोहरा बनाकर पंजाब में वो कौन से हालात पैदा करना चाहते हैं? क्या पंजाब को कश्मीर बनाना चाहते हैं? क्या पंजाब में फिर से 80 के दशक जैसे हालात पैदा करना चाहते हैं? क्या पंजाब में सिर्फ एक कौम के लिए जलसे का अधिकार है? मैं फिर चाहूंगा आप वो हिस्सा सुने जहां वो फितनों कह रहे हैं या हिंदुओं कह रहे हैं, आप खुद इसका फैसला कर लीजिए। सुनिए। मैं जिला पुलिस और जिला प्रशासन को भी बताना चाहता हूं, अगर दोबारा ऐसी हरकत हुई मेरे जलसे के बराबर में, अगर फितनों को इजाजत दी गई तो मैं ऐसे हालात पैदा करूंगा कि संभालने मुश्किल हो जाएगा। पंजाब के फॉर्मर डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा को राह चलते किसी मनचले किसी असामाजिक तत्व जैसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मगर जो लोग इस बयान को सांप्रदायिक भी कह रहे हैं वो भी गलत है। मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होने जा रही है, मगर सीधा सा प्रश्न ये कि ये दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की तमाम हरकतों पर खामोश रहे, मगर विपक्ष की तरफ से एक गलती हुई और उसे आप पकड़ लेते हैं। ऊपर से मीडिया और भाजपा का झूठा और भ्रामक प्रचार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जब कहते हैं कि मुकाबला 80% बनाम 20% है तो इसका क्या अर्थ हुआ है? और यही नहीं, स्वतंत्र देव सिंह का यह बयान देखिए, वो कह रहे हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुकाबला है चौधरी चरण सिंह के 80% बनाम जिन्ना के 20% के बीच में। यानी कि भारतीय जनता पार्टी बैक टू बेसिक्स पे पहुंच गई है, यानी कि लौट के भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक प्रचार की तरफ आई। बीजेपी को न जाने क्यों ये लगता है कि जब तक हम सांप्रदायिक प्रचार नहीं करेंगे हमें जीत हासिल नहीं होगी। ऐसा क्यों?
आपके पास बेहतरीन वक्ता हैं, आपके पास एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो शायद दुनिया की सबसे धनी पॉलिटिकल पार्टी होगी, देश की तो है ही और दुनिया भर की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में शुमार है बीजेपी। और क्या बीजेपी के पास चुनावी संवाद के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जहरीला प्रचार है? क्या आप विकास की बात नहीं कर सकते? क्या आप अपनी उपलब्धियों की बात नहीं कर सकते? मैं बार बार ये कहता हूं और फिर दोहराना चाहूंगा कि अगर अखिलेश यादव को जीत हासिल हो जाती है तो आजाद भारत में तमाम जितने भी चुनावी मुकाबले हुए हैं ये अपने आप का सबसे बड़ा राजनीतिक चमत्कार होगा। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ पूरा उत्तर प्रदेश बन चुका है। 2013 में जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की पैठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उसके जरिए पूरे उत्तर प्रदेश के जनमानस पर है। ऊपर से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लगातार प्रचार में पैसा बहा रहे हैं और आप जानते हैं न्यूज लॉन्ड्री की वो पड़ताल थी जिसमें पता चला था कि किन चैनल्स को कितना पैसा मिला है, वो भी आंकड़ा आपके पास था। इन हालात में विपक्षी दल को किसी भी तरह से अपनी मौजूदगी दर्ज कराना मुश्किल होता जा रहा है, कई मायनों में नामुमकिन भी, मगर विपक्ष फिर भी जद्दोजहद कर रहा है। अखिलेश यादव जद्दोजहद कर रहे हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा जद्दोजहद कर रही हैं, मगर रहस्य यह बना हुआ है कि मायावती क्यों खामोश हैं। मायावती उस उग्र तेवर से जो है चुनाव प्रचार नहीं कर रही हैं, क्या उसका मकसद ये कि अखिलेश यादव को उसका फायदा हो? क्योंकि देखिए, अगर मायावती उग्र हो जाती हैं तो उनका जो दलित वोटर है जो पारंपरिक तौर पर उनके साथ रहा है उसमें खलबली होगी। वो एक बार फिर पारंपरिक तौर पर जिस पॉलिटिकल पार्टी यानी बीएसपी को वोट देता रहा है उस तरफ उसका झुकाव फिर सामने उभर कर आएगा। मगर मायावती खामोश है, वो अपने आप में एक रहस्य बना हुआ है। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, मुकाबला दिलचस्प है मगर जैसे मैंने कहा ना, बराबरी का मुकाबला नहीं है। कम से कम जिस दंगल में या जिस जमीन पर यह राजनीतिक कुश्ती लड़ी जा रही है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में झुकी हुई है। मगर चुनावों में बड़े बड़े चमत्कार होते हैं और आजाद भारत का इतिहास जो है इससे पटा हुआ है। हमें इंतजार करना पड़ेगा 10 मार्च का। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।